जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो लेसन प्लान को सॉल्व कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके यह बताएं कि हमें जो कंप्लीट फाइल हमें दीजिए लेसन प्लान का। तो उन सभी को कमेंट को देखते हुए आप सभी के लिए हम मैंने कंप्लीट फाइल को तैयार किए, कैसे डाउनलोड करना है और इसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट है, पूरा चीज़ कंप्लीट बात बताएंगे और पूरा सेटअप करके बताएंगे कि इसको फेज को कहाँ कहाँ सेटअप करना। तो यदि आप अपना पाठ योजना यानी लेसन प्लान कोर्स 512 नहीं बना सक रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अंतिम तक जरूर देखें और हम आपको बताने वाले कि इसमें आप किस तरह से करके अपना जो पाठ योजना को कोर्स 512 को किस टाइप से करके सेटअप कर सकते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले वेलकम करना चाहेंगे, वेलकम टू आवर डिजिस क्लास, हमारे डिजिस क्लास में आप सभी को स्वागत। यहाँ जो हम लोग आज जो टॉपिक्स में बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं। वैसे स्टूडेंट वैसे कहने जो एनआईएस से कर रहे होंगे, खुशी है कि उनका जो है पाठ योजना कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम बताने वाले हैं। तो आज का हम लोग इस टॉपिक्स में बात करने वाले कोर्स 512 को लेकर, जिसका टॉपिक से लेसन प्लान, लेसन प्लान पाठ योजना, जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर के साथ आपको मिलने वाले और इसका जो पेजेस है कंप्लीट पेज है पूरा चीज़, और विथ पीडीएफ फाइल भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इस लेसन प्लान को स्टार्ट करने से पहले आज का सवाल हम आपको पूछना चाहते हैं कि ईमेल के, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ईमेल के फर्स्ट पार्ट में डॉट डॉट होता है, पहला ईमेल सब्जेक्ट, दूसरा भेजने वाले का नाम, तीसरा पाने वाले का, चौथा यहाँ पर चौथा होगा ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 502 का क्वेश्चन है। तो यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप हमें, और नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारा वीडियो कंप्लीट रूप से सारा समझाए गए कि इस टाइप्स का वीडियो को कैसे 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 याद करना है, इसका आंसर सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यदि आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, क्योंकि जल्दी से जल्द नीचे चले जाए, आपका कमेंट बॉक्स आपको इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप टाइप करने वाले ए को या बी को या सी को या डी को, कोई एक टाइप करने वाले, तो कौन सा टाइप करने वाले यह चीज़ नीचे डाल के जरूर बताइए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ सी नहीं है बल्कि यह डी, मतलब ईमेल आईडी यहाँ पर जो है डी होगा, मिस बाय मिस्टेक इसमें जो राइट होगी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज का जो टॉपिक्स था हमारा लेसन प्लान को लेकर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन प्लान को इसका सेटअप कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो कंप्लीट देखने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। कि हम लोग लेसन प्लान को सॉल्व कर रहे थे, तो लेसन प्लान में आप सभी को पता है कि लेसन प्लान जो है उसमें 5 या 6 सब्जेक्ट का टोटल बनाना, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 5, 5 से ज़्यादा जितना चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो हमारे चैनल के द्वारा जो है लेसन प्लान को सॉल्व करके, जिसको पाठ योजना भी कहते हैं, वो सारे पाठ योजना सॉल्व करके दे दी जा रही है आप तक। लेकिन हमें क्या क्या चीज़ प्रिंट करवाना है, कैसे कैसे इसका आंसर लिखना है, सारे बातों को जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ का आपका इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होगा उसके लिए बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इस स्टेप का, आपके पास स्टेपलर, कोई भी स्टेपलर आपके पास होना चाहिए, यह होना चाहिए या यह स्टेपलर होना चाहिए, कोई भी स्टेपलर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, या तो आपके पास ये स्टेप का स्टेपलर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके यह पूछ रहे थे कि यह जो है कहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाएं, वहाँ पर हम आपको इसका लिंक मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं, या तकरीबन लोकल मार्केट में बाय कीजिए तो 300 के आसपास इसका प्राइस है, 300 के आसपास इसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे देंगे, इस स्टेपलर को आप बाय कर सकते हैं। यह स्टेपलर बहुत ही अच्छा है बुक वुक या कॉफ़ी या नोट्स को पिनअप करने के लिए, बहुत ही लाभदायक है। आप लोग इसको रखिएगा तो बहुत अच्छा काम आएंगे। तो इस स्टेपलर को भी आप बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रिंटिंग का, क्या क्या चीज़ का प्रिंटिंग चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर सारे लिंक जो है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग के लिए आपको चाहिए जरूरत का जो सामान है, यह प्रिंटिंग आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले जो प्रिंटिंग आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का प्रिंटिंग पाठ योजना, ठीक है, लेसन प्लान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अध्ययन, सोशल साइंस, तो इसका प्रिंट आपके पास जो होना चाहिए। सबसे पहले जो इसका प्रिंटिंग आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो प्रिंटिंग होना आप सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रिंटिंग आप सभी को चाहिए,
यहाँ आप देख पा रहे हैं पाठ योजना है, लेसन प्लान सामाजिक विज्ञान या अध्ययन सोशल साइंस, तो इसका प्रिंटिंग आपके पास होना चाहिए। उसका नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या जरूरत पड़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, पाठ योजना इसका जरूरत पड़ने वाले। यहाँ पर एक बहुत ही जानकारी वाला चीज़ है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप पाठ योजना एक है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है या उप विषय और प्रकरण, क्या क्या इसमें अपने हाथों से बदलने, इस चीज़ को हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को साथ अंतिम तक जरूर बने रहें। तो इस चीज़ का जरूरत कब पड़ने वाले हैं, तो ये इसका भी प्रिंट की, यदि आप इसका प्रिंटिंग चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर चले जाए, वहाँ पर इसका लिंक होंगे, आप सिंपली वन क्लिक करके इसका जो है डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है, नेक्स्ट स्टेप में आपको सेम इसी टाइप से इसका टू वाला भी पेज चाहिए, आपको टू वाला टू पेज भी आपको चाहिए, टू पेज भी आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चाहिए चाहिए आपको थ्री पेज, फाइव पेज, फोर पेज, इस टाइप से करके हर एक पेज का आपके पास जो है प्रिंटिंग इसका होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वन बाय वन करके आपको दिखा देते हैं। ये थ्री नंबर का है, ठीक है, ये आपका थ्री नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका फोर नंबर से, ठीक है, फोर नंबर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फोर नंबर्स के लिए दिए जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइव नंबर से, यहाँ पर फाइव नंबर, तो यह जो है सिर्फ जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान को कर रहे हैं, साइंस का अलग आएगा, मैथ का अलग आएंगे, उसके बाद जो है जो भी ईवीएस का पेपर है उसके लिए अलग आएंगे, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, सबके सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम लोग पाँच पाँच करके पोर्टल सोल्व करने वाले। यदि इन सारे चीज का अगर फॉर्मेट अगर डाउनलोड करना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर होंगे लिंक, वहां से आप क्लिक करके सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ योजना को बहुत ही बेटर और बेटर से बेटर लुक्स आपको दे सकते हैं, यानी कि इसमें जितने भी 28 नंबर का क्वेश्चन है पूरा 28 में से 27 नंबर इसमें जरूर आपको मिलने वाले। तो सबसे पहले इन सभी का आपको प्रिंटिंग करवा लें, तो इन सभी का जब क्या क्या जरूरत है आपको दिखा दे कि किस किस टाइप का जरूरत होने वाला, तो इसका प्रिंटिंग आप जरूर करवा लें। उसके बाद हमारे द्वारा जो है यहाँ पर जो है सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन पेज यहाँ पर दी जाएगी। आपको यहाँ पर देख पा रहे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पेज, इस पेज को फाइल में ना डालें, ये जो फाइल इसी पीडीएफ के साथ आपको दी जाएगी, इसमें पूरा का पूरा निर्देशक लिखे हुए कि किसे कैसे आपको क्या क्या चीज करनी है, पूरा डायरेक्शन हमने अपने नोट्स के तरफ से आपको लिख के दे दिए, और ये भी इसी पीडीएफ में, इसी जो नीचे पीडीएफ आप देख पा रहे हैं इसी में आपको यह भी पाठ योजना का मिल जाएंगे। इसमें जो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पाठ योजना डिजिटल क्लास के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें ओनली सोशल साइंस का फाइल है, ठीक है। आगे भी पाठ योजना टोटल पांच या छह विषय का बनाना है, सभी को एक ही फाइल में लगाना, ध्यान रखिएगा। आपका सोशल साइंस हुआ या एसटी हुआ या कि एसएसटी हुआ या इंग्लिश या हिंदी कोई भी फाइल हो, सबको एक ही साथ अटैच करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तैयारी करें, फिर लास्ट में मेरा अंतिम वीडियो एक आएंगे जो सबको कैसे अटैच करते हैं, उसका इंडेक्स पेज कैसे तैयार करते हैं, पूरा कंप्लीट आएंगे। लेकिन पहले हम लोग हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करके वन बाय वन करके मैथ का अलग से, सोशल साइंस का अलग से, उसके बाद हिंदी का अलग से, सब सब्जेक्ट का अलग अलग हम लोग सेट करेंगे। हर सब्जेक्ट में पांच से छह प्रोजेक्ट यानी पांच से छह पाठ योजना रहेंगे, जिसको पूरा कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग पूरा को एक बार सेटअप करके देंगे। तो इसमें जो टोटल आपके पास लिखा हुआ आप इसके साथ जो है जब भी इसको प्रिंट करवाएं तो यह भी आपका डायरेक्शन जो है यह भी आप जरूर इसको पढ़ लें, तो यह भी इसके साथ, लेकिन इसको अटैच नहीं करना है फाइल में, ये आपके जानकारी के लिए हम आपको इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास यह जो हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए, कोई भी लोकल मार्केट से आप यह हाईलाइटर को बाय कर सकते, ठीक है, इसका क्या यूजिंग है आपको आगे वीडियो में बताने वाले। उसके नेक्स्ट स्टेप में जो है कोई भी पेन का ब्लू या ब्लैक पेन का आपको चाहिए तो पेन आप दो जरूर बाई कर ले। उसके बाद इसका जो है इसका भी जरूरत पड़ने वाले तो इसको भी आप बाई कर लीजिए ले, इसको कपड़ा दबाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो यह भी आपके पास मिल जाएंगे, तो यह भी चीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो है कैसे कैसे इसका आंसर को लिखेंगे, आंसर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, वहां पर सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो है पाठ योजना जो है सारा जो आप देख पा रहे हैं इसका पूरा आंसर ही यहाँ पर लिखे हुए, और सबसे आसान सा तरीका इसमें यह है कि यह पाठ योजना संख्या वन आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप कोना में आप देखिएगा तो वन ए लिखा हुआ है, ठीक है, फिर वन बी लिखे हुए, फिर वन सी, फिर वन डी, यानी कि चार पेज पाठ योजना का जो है टोटल चार पेज यहाँ पर आपको दी जा रही, टोटल जो यहाँ पर जो चार पेज यहाँ पर पूरा एनओएस के फॉर्मेट के हिसाब से आपको टोटल दी जा रही, ठीक है। तो यहाँ से यह पता चले जब इसको प्रिंटिंग करवाएंगे तो इधर उधर पेज ना हो जाए, इसीलिए वन ए, वन बी, वन सी, वन डी के हिसाब से आप इसको पहचान सकते हैं कि किस स्टेप से करके आप जो है मतलब
कि कहाँ पर कौन सा पेज को सेटअप करना है, इसलिए बहुत ही इजी माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको दी जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाए, वहां पर आप सिंपली वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से पार्ट योजना टू भी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2A है, 2B है, 2C है, 2D। तो हर जो स्टेप के लिए हम लोग अलग अलग पाठ योजना बना दिएंगे, ठीक है, हर योजना पाठ योजना बना दिएगे। उसके बाद एक सबसे खास बात यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपना स्कूल का नाम, उसके बाद आपका नाम यहाँ पर, यानी जो भी शिक्षक बना रहे उसका यहाँ पर आपको नाम डालने, उसके 20 तारीख को आपने इस फाइल को तैयार किए उस तारीख को यहाँ पर आपको डालने। उसके बाद नेक्स्ट कक्षा, कक्षा 7 के लिए बनाने, 5 के लिए बनाने, 4 के लिए बनाने, कितने के लिए बनाने, वो अपना कक्षा यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसे कलांश, कलांश बहुत सारे लोगों ने पूछे कि कलांश में क्या डालने, कलांश मतलब होता है घंटी, किस घंटी में जो है, किस सेक्शन में, जैसे कि सबसे फर्स्ट होता है पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, तो कौन सा घंटी में, सातवां कलश में जाते हैं तो कौन से घंटी में आप लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से करके आप इसमें लिख सकते हैं। अगर अगर मान लेते हैं चार चौथा नंबर में अगर होते हैं, मतलब फोर्थ घंटी में अगर आप लेते हैं क्लास, तो यहाँ पर फोर्थ डाल दें। अवधि आपको जितना मिनट का क्लास चलता है उसको आप यहाँ पर भर दें, 35 मिनट, 40 मिनट, जितना मिनट है उस मिनट को यहाँ पर आप फिल कर दें। तो उसके बाद जो बाकी कुछ भी चीज़ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, पूरा सोल्यूशन के साथ आपको दी जा रही, पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पर अंतिम में एक चीज देखें, यहाँ आपका जो प्रिंसिपल होंगे उस प्रिंसिपल से सारे फाइल में हर एक पाठ योजना में आपको सिग्नेचर और सील मोहर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर अंतिम का पेज में, ठीक है। इसी से आपको रेटिंग पेज होगा, इसी से आपको सारा सारा जो नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर यह पाठ योजना टू है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर पाठ योजना थ्री है, 3-1, यहाँ पर देख पा रहे 3-1, 3-B, 3-C, 3-D। तो सारा जो पाठ योजना 1 by 1 करके यहाँ पर सारा सेट कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर पाठ योजना 4 भी है, पाठ योजना 4-1, 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, तो इस तरह से करके सारा पाठ योजना यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पाठ योजना 5, यानी कि हम लोग 5 पाठ योजना जो हम लोग इसमें तैयारी किए सामाजिक विद्या विज्ञान में या सामाजिक अध्ययन में, टोटल जो 5 हम लोग के पास तैयार है, देखिए पा रहे हैं 5A, 5B, 5C, 5D एंड 5E। इसमें थोड़ा सा लंबा है इसीलिए इसमें थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी हमें देने वाले थे, इसीलिए इसको थोड़ा सा एक पेज जो है हम लोग का बढ़ गया। अब इसमें सेटिंग कैसे करना है, कहाँ पर क्या चीज लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, और एक चीज, खास चीज आपको बताने वाले कि यहाँ पर जो हर एक बार जो है एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि सब सामाजिक विज्ञान में ही आते, तो हर एक कक्षा में जो है अलग अलग कक्षा यहाँ पर इंटर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही कक्षा को आपको डाल रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप को भी क्लास लीजिएगा तो एक ही कक्षा का आपको नहीं तैयार करने, हर बार आपको अलग अलग कक्षा के लिए तैयार करनी, यानी 5 है तो 5 कक्षा तक आपको रेडी करने हैं। जैसे कि आपने 1 का कर दिया, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, या हाई लेवल के पास अगर आपके पास स्कूल है तो हाई लेवल के हिसाब से आपको करने हैं, ठीक है। 3 का कर दिया, 4 का कर दिया, 6 का, 7 का, 8 का, मतलब अपने अनुसार यहाँ पर आप लिख सकते हैं कक्षा का, कक्षा को अपने हिसाब से यहाँ पर सेटिंग आप कर सकते हैं, पूरा को अपने हिसाब से। ध्यान रखिए एक सब्जेक्ट, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि यदि सोशल साइंस का अगर आप कर रहे हैं पाठ योजना, तो सारे सोशल साइंस के पाठ योजना में एक ही क्लास ना डालें, हर बार अलग अलग, क्योंकि एक ही घंटी में जो है आप सब क्लास में आप क्लास नहीं ले सकते। और अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस सीधे पढ़ाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही क्लास के लिए आपको सिर्फ 5 क्लास में पढ़ाते हैं, सिर्फ 5 ही क्लास के लिए आपको रखे जाएंगे, ऐसा नहीं। हर क्लास में आपको जाकर हर क्लास में आपको घंटी लेने पड़ते, हर क्लास में जो है अलग अलग जो है टाइम पर आपको लेने पड़ते, इसीलिए हर बार कक्षा को चेंज करके ले, इस चीज को खास आप जो है ख्याल रखें, ठीक है। अब इसको सेटिंग करते कि कैसे हम लोग सेटिंग करने वाले, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो अब अंतिम में हम लोग का पड़ाव जो है सेटिंग करने के लिए, सेटिंग करने से पहले और एक चीज हम आपको खास बात बता दें कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर जो है समान उद्देश्य, ठीक है। तो समान उद्देश्य है, तो समान उद्देश्य आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर समान उद्देश्य को हम क्या करेंगे, हाईलाइटर के द्वारा हाईलाइट, इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य है, तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए हम हाईलाइट कर देंगे। सहायक सामग्री, तो यहाँ पर सहायक सामग्री के लिए हाईलाइट कर देंगे। जब आप इसको लिख लीजिएगा अपने हाथों से, तो जगह जगह पर जो जो खास पॉइंट है यहाँ पर जो है हाईलाइट आप करते चलिएगा, जितने भी पॉइंटेड है सब में जो है प्रस्तावना में भी आप अपने हाईलाइट जो इस तरह से करके करते चलिए, जितने भी आप मैंने ऑलरेडी सब में कर दिया
दिए गए, आपको दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सारे फाइल में जो आपको हाईलाइट करने जरूरी, तो हाईलाइट से इससे पता चलता है कि आपका पाठ योजना खूबसूरत भी बन जाएंगे और किस चीज को हम लोग इंपॉर्टेंट हमको मानते हैं उस चीज को लिए, ठीक है, उस चीज को इंडिकेट करते हैं हाईलाइटर के द्वारा। तो आप सभी को हाईलाइट करना ना भूलें, एक हाईलाइटर मार्केट से जरूर परचेज कर लें और कोशिश करें कि आप इसी टाइप का बॉर्डर वाला पेज को ही आप बाय करें। एक आता पूरा डिजाइनिंग का पेज आता, वो क्या होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं होते। अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग होते, प्लेन सिंपल डिजाइन। देखिए इसमें इसमें ज्यादा कुछ खास डिजाइन नहीं, ओनली फॉर सिंपल डिजाइन डाले हुए, जो कि कोई भी अगर ज्यादा आपको ज्यादा लोगों वाला आपको मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन उनको बोलिएगा सिंपल डिजाइन हमको जो इस टाइप का। और इसका सबसे खासियत बात है कि ये 4 साइज में, ठीक है, सबसे खास बात। और जो बाकी जो है सेगमेंट पेपर अगर आप बोलते हैं या प्रोजेक्ट पेपर बोलते हैं तो बहुत तरह तरह का आपको मार्केट में दे देंगे। यदि आपको ये मार्केट में नहीं मिलते तो हमारा एक वीडियो है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो ब्लैंक है, मैंने ब्लैंक पेज जो है दे दिए गए, आप वहां से सिंपली किसी भी दुकान से प्रिंट कर सकते हो, पूरा का पूरा पेज ही ब्लैंक दे दिया। क्योंकि काफी कमेंट आ रहे हैं कि हमारे मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें जो है इसका अवेलेबल करवा दीजिए। तो मैंने क्या किया था, ब्लैंक प्रिंटिंग करके एक पीडीएफ में डाल दी गई, तो वीडियो प्लेलिस्ट में डालेगी, आप वहां पर जा सकते हैं और डाके इसको डाउनलोड करके इसका पीडीएफ को और डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो आई होप आपने समझ लिए कि किस तरह से करके हम लोग हाईलाइट को चलाना है, कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर हाईलाइट चलाना है। तो आप इस तरह से हाईलाइट कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, पर यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड कार्ड होते हैं, जो ब्लैक बोर्ड कार्ड आप इस टाइप से डिजाइनिंग अपने पेन से बना सकते हैं या अपने जैसे चाहिए आप उसकी अपने जरूरत के हिसाब से आप इसी डिजाइन को अपने बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है जिसमें बच्चों को जो है लिखना पड़ता है, वो आपके इसके इसी के अंतर्गत आता है। तो अपने हिसाब से आप इसको ब्लैक बोर्ड को डिजाइन कर लें। अगर आपको लगता है कि इसमें जो कुछ चेंजिंग करना है तो अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ मैटर को, कुछ स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चलते हैं, अब अगला स्टेप में सेटिंग की ओर सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम देखिए सामाजिक जो है, हम लोग सामाजिक अध्ययन को कर रहे हैं, तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को करने वाले तो हम इसे करके इस तरह से करके उलट के रखेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ चाहिए इसके लिए, तो आगने वाले दिन में हम लोग हिंदी रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, मैथमेटिक्स होगा, इसी टाइप का सबका बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम उलट के रखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जब फिर सीधा करेंगे तो मेरा आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पाठ योजना जो है 1 है, ठीक है, पाठ योजना 1 जो है, लेसन प्लान 1, इसमें सामाजिक विज्ञान है, इसमें उप विषय प्रकरण में देखते हैं कि किसमें इसमें क्या क्या चीज, ठीक है। अगर यहाँ पर आप उप विषय देख रहे हैं, तो उप विषय अगर मान लेते किसी किसी सब्जेक्ट का उप विषय नहीं होता तो इसको जो है इस टाइप से लकीर खींच के ब्लैंक छोड़ दे, इसमें कुछ भी ना भरे, ठीक है, इसमें कुछ भी ना भरे। लेकिन प्रकरण जो होता है वो हर सब्जेक्ट में मिलेगा आपको, प्रकरण लिखना अनिवार्य है, ठीक है। उप विषय कभी कभी जो नहीं होता है तो उसको इस टाइप से लकीर खींच दे, उसमें कोई उप विषय नहीं होता है, ठीक है। अब इसको कैसे भरने वाले हैं सो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यह सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान के लिए बैनर बनाएगी, तो सामाजिक विज्ञान लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं। अब उप विषय किसके लिए हम बनाए, हम ज्योग्राफी के लिए बनाए, यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेन से भूगोल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पेन से हम लोग जो है भूगोल लिख देंगे, देख पा रहे यहाँ पर जो हम लोग पेन से भूगोल लिख दें, आप भी अपने हिसाब से भूगोल जो है इसको लिख दीजिए, या जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी किए उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो इसका भूगोल नाम दे दिए, ठीक है। उसके प्रकरण के लिए क्या करना है कि हम इसमें जो हम लोग डायरेक्शन के बारे में बच्चों को बताए थे कि दिशा के बारे में, ठीक है, दिशा के बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिशा, ठीक है, दिशा के बारे में। तो यहाँ पर जो दिशा के बारे में बताया, तो यहाँ पर प्रकरण में हम लोग लिख देंगे दिशा के बारे में या दिशा ज्ञान, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दिशा के बारे में, ठीक है। तो ये पेन से, अपने पेन से इसको भरना है, जो कि हर पाठ योजना में आपको भरने हैं, ठीक है, हर पाठ योजना में आपको भरने है। उसके बाद इसको भरने के बाद जो यह जो कंप्लीट भर चुके, उसके बाद इसको इस स्टेप से लग देना। उसके बाद पाठ योजना 1 जो है, जो भी 1 है उसको हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट। उसके बाद पाठ योजना 2 है, तो पाठ योजना 2 में जो है इसमें भी सेम थिंग्स लिखने हैं, सेम थिंग्स लिखने, जो भी आपका यहाँ पर हो गया सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान आपके पास है, उप विषय किस विषय के लिए करना चाहते हैं तो उप विषय के लिए यहाँ पर आप लिख दें। उसके प्रकरण में जो भी प्रकरण होगा उस प्रकरण को यहाँ पर लिख दें, हम बाद में इसको लिख लेंगे, आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे इसीलिए जो है शॉर्टकट करने के लिए जल्दी जल्दी हम लोग पार कर रहे, सिर्फ सेटिंग करके आपको दिखा दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ योजना 2 हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर रखने वाले। फिर यह जो है पाठ योजना 2 का आंसर है, इस आंसर भी 4 पेज का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद इसको भी हम इस टाइप से रखने वाले, ठीक है। उसके बाद सेम थिंग से पाठ 3 जो है, पाठ योजना 3, ठीक है, इसको भी सेम इस तरह से रखने वाले। फिर इसके जो है इसके ऊपर एक आंसर होने वाले, इस आंसर को हम लोग यहाँ पर डालने वाले। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर है पाठ योजना का जो 3 है हमारे पास,
सेंसर है, तो इस सेंसर को भी हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। फिर यहाँ पर जो फोर पार्ट योजना है, तो फोर पार्ट योजना को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। फिर पार्ट योजना फोर का आंसर यहाँ पर आपको लिखे हैं, फोर पार्ट योजना का, इसको भी हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट योजना फाइव है, जो कि पार्ट योजना फाइव जो है इसको यहाँ पर रखने वाले। याद रखिए इसमें लिखना ना भूल, हर स्टेप में लिखे, हम यहाँ पर लिखने दें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्ट योजना जो फाइव है, यहाँ पर पार्ट योजना फाइव है, इस फाइव को हम लोग यहाँ पर डाल दें। तो यह जो कंप्लीट फाइल यहाँ पर तैयार हो चुकी है सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है अगला स्टेप में ले जाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पूरा का पूरा फाइल रेडी हमारा हो चुका है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट फाइल जो हमारे पास जो है पूरा का पूरा कंप्लीट फाइल यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो है पूरा कंप्लीट फाइल यहाँ पर हम लोग के पास रेडी हो गई है, ठीक। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको जो है सेटअप करते हैं, इसका पिनअप कैसे करेंगे हम कर देंगे, ठीक है। कितना खूबसूरत सा फाइल आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फाइल है। कोई भी नंबर हंस के देगा आपको नंबर, कोई भी शिक्षक कोई भी टीचर अगर इसको चेक करते हैं, तो आप इस फाइल को अगर बना लेते हैं तो कोई भी आपको देने के लिए तैयार। अब हम लोग इसको स्टेपलर करने वाले हैं, तो स्टेपलर करने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इसको अच्छा से बराबर आप जरूर इसको अच्छी तरह से बराबर कर ले, ठीक है। नहीं तो आपका पेज जो है इधर उधर होने की संभावना रहेंगे, इसलिए पेज को अच्छी तरह से सेटिंग कर ले। उसके साथ साथ हम लोग इसको भी डाल देते हैं ताकि मेरा पेज जो है इधर उधर ना घिस के। अब यहाँ से हम लोग स्टेपलर को निकाल रहे हैं, देख पा रहे हैं स्टेपलर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पेज को सेट करने वाले हैं, ठीक है। पेज को हम लोग यहाँ पर लगा के इसको सेट करने वाले हैं। अपने हिसाब से आप इसको बिठा सकते हैं, या कोई भी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस सब स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास अवेलेबल है, मैंने इसी के लिए जो है इसको बाय करवाए थे हमारे पास, तो हम इसी का यूज़ करते हैं। इसमें बेटर होते हैं, इसमें सीधा होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा आप। तो यहाँ पर दो या तीन पिन आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि मैंने जो पूरा कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत से इसको पिनअप भी कर दिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे द्वारा जो है सामाजिक विज्ञान का पूरा कंप्लीट पिनअप जो है हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हर पाठ योजना में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाए, पूरा फाइल पूरा आंसर के साथ पूरा ही सावधानी बरत के इसको पूरा का पूरा लिखी जा रही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट फाइल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आने वाले दिन में हम आपसे मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, जितने भी 5 से 6 सब्जेक्ट है टोटल आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करने के लिए सारे फाइल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाएं। लास्ट में हमारा एक कंप्लीट फाइनल वीडियो आएगा, हर सब्जेक्ट का वीडियो रहेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का मतलब उस वक्त जब मेरा अंतिम आएगा, उसमें जो है हिंदी के लिए भी है, ठीक है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का आएंगे। उसको एक तरफ इनबिल्ड करेंगे, कवर पेज लगाएंगे, इंडेक्स पेज फिट करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट बात बताने वाले। इसको डाउनलोड करना चाहते तो डाउनलोड इसको कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस फाइल का भी हम लोग यूज करने वाले, बट अभी नहीं, अंतिम में जब मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा तो सब सब्जेक्ट का एक ही जगह हम लोग इंटर करके इतना मोटा कम से कम 150 से 200 पेज हमारा पूरा कंप्लीट फाइल बनने वाले, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, हम लोग को 150 से 200 पेज का फाइल बनने वाले। हो सकता है अगर इस फाइल में नहीं अटे तो हम लोग को मोटा फाइल लेना पड़ेगा, या तो इसको स्पाइरल बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ने पर हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग का भी यूज कर लेंगे। डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक होंगे, वहां पर सिंपली क्लिक करके आप बता सकते हैं। और आपको अगला यानी कि मैथ का या साइंस का या हिंदी का कितने जल्दी चाहिए कमेंट करके जरूरत है। जितने जल्दी कमेंट कीजिए उतने जल्दी हम अगला पार्ट इसका लाएंगे और आप तक आपको हम देंगे, ताकि आप अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हमारे चैनल के द्वारा जो भी दी जाती है पूरा मैनेजमेंट के साथ पूरा बातचीत करने के बाद बच्चों को दी जाती है। आपको कोई भी असाइनमेंट या जो है प्रोजेक्ट कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आप कहीं और से बनाते हैं या कहीं से भी करते तो हो सकता है आपका कैंसिल हो जाए, इसलिए हमारे द्वारा जो दी जा रही उसी को आप ध्यान में रखते हुए आपको हम शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है
अभी जो है बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रहे कि हमारे द्वारा जो भी दी जा रही पूरा जानकारी के साथ दी जा रही, इसीलिए जो है आप इसी को बनाए, इसी फाइल्स को बनाए, जरूरत पड़ने पर मॉडिफिकेशन अपना कर सकते हैं और सारा फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अपना जाकर नीचे का लिंक में जाकर जल्दी से जल्दी अपना अपना डाउनलोड करके कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बनाना हम लोग के पास, ठीक है। अभी बहुत सारा फाइल्स हम लोग के पास रेडी करने, और सारा फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। कमेंट कर दे रही है, कमेंट जितना जल्दी होगा, शेयर जितना जल्दी, लाइक्स जितने जल्दी मिलेंगे उतने जल्दी जल्दी हम आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आपको देंगे। या हमारे पास ऑलरेडी सारा फाइल्स रेडी है, हर फाइल्स को जो है तैयार करके रखे हुए कि आपने देखे कि कंप्लीट करके किस टाइप से उसको हम लोग सेट करेंगे पेज, और कैसे कैसे क्या क्या लिखने, पूरा कंप्लीट मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिए। अब इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे है एक लिंक, वहाँ पर लिखे होंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, और सिंपली वन टाइम क्लिक करना। जैसे आप वन टाइम क्लिक कीजिएगा तो ऐसे आपका डिजिटस क्लास का वेब स्टोर जो है वेब स्टोर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं डिजिटस क्लास वेब स्टोर, और यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर यदि आप लेसन प्लान, हम लोग लेसन प्लान में, तो लेसन प्लान को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो इस बटन को क्लिक करना है। यदि आपको कोर्स 503 का इम्पोर्टेंट गेसेस क्वेश्चन को करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और यदि 505 का असाइनमेंट को सॉल्विंग चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करने, और 504 का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करने, और केस स्टडी चाइल्ड पर अगर करने हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो आते हैं चाइल्ड, ए स्कूल चाइल्ड, तो यदि इसका रिपोर्ट फाइल अगर आपको डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करें। तो जो जो आपको फाइल चाहिए सारा आपका वेब स्टोर में अपलोड है, तो यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट करके आप अपना वेब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते। तो हम लोग तो को यहाँ पर पार्ट यूज होना चाहिए लेसन प्लान, तो लेसन प्लान में हम मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक कर दी। जैसे क्लिक किए वैसे ही एक फॉर्म खुल के आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 512 सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालने, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देने। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करिए उसी तरह से आपको पूछेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या UPI। तो मान लेते हैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड, जो भी चीज़ है इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पर आपको पूछने लगेगा कार्ड का नाम, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर। CVV नंबर आपके कार्ड के पीछे होंगे। इन सारे डिटेल को फिल करने के बाद इस ग्रीन बटन को प्रेस करने, प्रेस करने के बाद जो है क्या होंगे, या तो आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रीन वाले बटन पर, वैसे आपके मोबाइल में आप देखिए एक कोड जाएंगे, कोड को डालने के बाद इस तरह से करके सक्सेसफुल का एक मैसेज आएंगे, यहाँ पर लिखे रहेंगे डिजिटल क्लास जो भी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक डाउनलोड का यहाँ पर एक बटन होंगे, इसको सिंपली क्लिक करने। जैसे क्लिक करिएगा वैसे आपको इस टाइप का एक विंडोज़ खुलेंगे, या अगर कंप्यूटर में लोड है तो इस टाइप से आप कराएंगे, और मोबाइल से कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप अपने ब्राउजर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। आपको अपना मोबाइल का जो है चिप में या मेमोरी में जाकर वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर वहाँ से देखिएगा तो आपका पता चलेगा आपका फाइल डाउनलोड हो चुके। और इसके लिए कम से कम जो है 20 मिनट का वेट करें, 10 से 15 मिनट का वेट करें, क्योंकि सब बहुत बड़े बड़े फाइल है, छोटी छोटी फाइल नहीं तो लोड होने में थोड़ा सा समय लगते, तुरंत आपका लोड नहीं होंगे, ठीक है। ये सब बड़े बड़े फाइल हैं, इसलिए 10 मिनट 15 मिनट का वेट करें, उसके बाद ही लोड होंगे, धीरे धीरे करके लोड होते हैं। अगर इंटरनेट स्पीड है आपके पास तो जल्द से जल्द लोड हो जाएंगे, और यदि स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इसको क्लिक करने वैसे ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे इस पीडीएफ को। पीडीएफ को ओपन होने के बाद आप जैसे चाहिए उसे यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। प्रिंट आउट करवाने के बाद जो है आप इसको राइट कर सकते हैं। एक चीज़ को खास ख्याल रखिएगा, जहाँ पर मैंने पेन से राइट किया वहाँ पर आप भी पेन से ही राइट करें, जहाँ पर प्रिंटिंग के द्वारा काम करना वहाँ पर प्रिंटिंग से ही काम करें, इस चीज़ को ध्यान रखें। पूरा का कंप्लीट आप प्रिंटिंग को प्रिंट करके पूरा कंप्लीट का कंप्लीट फाइल जमा ना कर दे, इससे आपको जो सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट नंबर्स आपको मिलेंगे। तो आई होप आपने समझ लिए होंगे कि किस टाइप से करके हमें जो है अपना पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते। तो कमेंट बॉक्स पर हमें लिखें कि कितने लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिए और कितने लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। तो डाउनलोड नहीं किए हैं तो कब तक आपको डाउनलोड करना, यह भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और यह फाइल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखना जरूर भूलें नहीं।
और इसका आगे का पार्ट यानी यह जो हमारा था सोशल साइंस का पार्ट, तो इसके आगे का पार्ट कब चाहिए यह कमेंट लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट आते हैं उतने जल्दी आपको तक हम फाइल आपको पहुँचाएंगे, क्योंकि 5 या 6 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट आपको फाइल को तैयार करने हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, बट आप सभी को इजाज़त चाहते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, उसके हिसाब से आपको फाइल को पहुँचाएंगे। तो आई होप फिर मिलते हैं कुछ नई लेसन प्लान के साथ, तब तक ये दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।